हमने अपने घरों को खुद अपने हाथों से इतना आजमाइश का घड़ा बना लिया है। लड़ाइयां, झगड़े, मुसीबतें क्यों? कि पैसों की तो तबलीग रोज होती है कि कमाने चाहिए, माल की तबलीग तो रोज होती है, दर्द नहीं बटता, इखलाक की बात नहीं होती। ओ सजनों, हमारा गरीब घर था, पर मेरे अब्बा जी जब गंदम का सीजन खत्म होता घर में लेके आते तो हमारे घर के सेन में खड़े होके फरमाते, लो पुत्र किसी का घर वाल नहीं तकना, मैं दाने पाते ने फड़ोले थे तो तुहाड़ी मां ने अचार पा दिता है, अब परवाह नहीं। इस सादगी के साथ, इस आसानी के साथ गुजारा होता था। मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा अब्बा जी लोग बड़ा बड़ा पैगाम देते हैं पैसे कमाओ पैसे, आप नहीं देते पैगाम, चलें ये बता दें कोई शय पसंद नहीं खाने में? कहने लगे, बेटा भूख लगी हो तो हर शय पसंद, न लगी हो तो नखरा ही नखरा, अगर तलब होगी तो ये भी तुम्हें नफा देगा। लेकिन अपने घर में सुकून रखना, इत्मीनान रखना, इस टेंशन से अपने एक दूसरे को इखलाक का सबक पढ़ाए, दिलों की नरमी का दर्श दें, थोड़ी सी कोशिश करें जिससे हमारे घर बच जाएं।